प्लान था मॉर्निंग में कि 6 बजे तकरीबन निकलेंगे, बट निकलने का चांस नहीं बन पाया। नींद इतनी आ रही थी कि रेस्ट लेना ज़रूरी हो गया था। जस्ट अभी उठा हूँ, 8:15 हो रहा है। फटाक से फ्रेश अप होता हूँ, रेडी होता हूँ, निकलता हूँ। ऑल सेट, सब रेडी, लगेज वगैरह सब कुछ कल रात से ही पैक करके रख दिया था। बस अभी फटाफट यहाँ से निकलने का है, और लेट तो हो ही गया है, निकलते हैं फटाफट। तो ऑल सेट, ऑलरेडी हो गया हूँ काफ़ी लेट, और थैंक यू सो मच। आपका नाम? यश। यश, तो ये यश जी हैं, इनका ये होटल है इंदौर में। अगर छोटी गोल टोली पे आप कभी भी स्टे करते हैं तो इनके यहाँ आइए, काफ़ी अच्छा होटल और सब चीज़ काफ़ी अच्छी थी। रात मैंने यहीं पे स्टे किया था, और ये कुछ मॉर्निंग में फ्रेंड्स मिल गए। सर आपका नाम? धनराज खेड़े। कृष्णा मांडले। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। एक्चुअल में हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप देख सकते हैं, ये चैनल है सीजनल गैली वेंटर। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो इंदौर से निकला मॉर्निंग में, निकलने के बाद जस्ट अभी भोपाल और इंदौर हाईवे पे करीबन 60-70 किलोमीटर आने के बाद एक हाईवे ढाबा पे रुका हूँ, पप्पू जी का ढाबा है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके ब्रेकफास्ट किया मैंने था मॉर्निंग में, और एक्चुअल में क्या इंदौर से निकलने के टाइम पे सोचा था वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लूँगा, बट वहाँ पे फिर बाइक आप स्टार्ट कर लियो, फिर किधर रुकोगे, फिर मतलब वो चीज़ मेरे को सही नहीं लग रहा था कि रुको फिर चलो रुको चलो। इसलिए बेस्ट यही था कि अपन वहाँ से निकले और हाईवे पे किधर पे आके सीधे नाश्ते के लिए। मेरा ऑल टाइम फेवरेट आलू का पराठा। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। तो रास्ते में जाते जाते काफ़ी दिनों से और काफ़ी समय से सुना था एक मंदिर का नाम, जो चिंतामण गणेश टेम्पल है, और ये भोपाल सीहोर रोड पे पड़ता है, तांता सीहोर के अंदर ही है। तो जस्ट अभी अपन चल रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने। ये मंदिर है, ये सामने पे मंदिर है, काफ़ी फेमस और काफ़ी प्राचीन मंदिर इसको माना जाता है, और बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। मंदिर काफ़ी अच्छा है, मूर्ति भी एटलीस्ट काफ़ी प्यारी सजी हुई है। ऑलमोस्ट कई समय से मतलब ऐसा प्लान बन रहा था कि जाने का बट सपोज हो नहीं पाया, और आज देखते देखते चीज़ें यहाँ आ भी गया मैं मंदिर में, और जस्ट अपन यहाँ से दर्शन करके अब निकलेंगे वापस भोपाल के लिए।
कभी भी किसी भी मंदिर में जाइए आपको ये लेबर मिलेगा, मतलब जो चाइल्ड लेबर जैसा काम कराते हैं इधर पे लोग, भीख मांगने का, वो सारा चीज़ करने का। तो जस्ट मुझे अभी एक औरत मिली जो कोटा से बिलोंग करती है और वो अपने बच्चे को इन्वॉल्व की इस चीज़ में कि जाओ बेटा उनसे मांग के लाओ 2-4-5 रुपये। मैंने हालांकि उनको समझाया ये चीज़ ऐसा करने से गलत है, और ये भी उनको बताया है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप उसका एडमिशन कराएं, बच्चे का सारी चीज़ आप कर करा सकते हैं। तो बच्चे अभी मेरे साथ ये है, आ जाओ चलेंगे अपन खाने। तो इसने अभी मुझे डिमांड किया कि कुछ पैसे दे दीजिए। तो ऑलमोस्ट मैं कभी भी किसी को पैसा जल्दी नहीं देता, और इवन 99.9% चांसेस है मैं कभी भी नहीं देता हूँ। तो कुछ खाने का तो बच्चे को ज़रूर खिला दूंगा, बट ऐसा वो नहीं कर रहा। और ये मैं दिल से सारी चीज़ें करता हूँ, दिल से मानता हूँ, इसलिए ये चीज़ों के खिलाफ हूँ मैं हमेशा से। कोई मेरा ऐसा नहीं है आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। हर एक जगह आप जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, सब जगह आपको सेम एक जैसे ही माहौल मिलेगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कभी भी ऐसा हो तो अभी सारी चीज़ें इन्वॉल्व ना होने दें। आ जाओ भैया कचौड़ी दे देना इनको, आ जाओ ले लो ले लो ले लो, आपके लिए भी लेके जाओ और मम्मी के लिए भी लेके जाओ। चलो 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 चलो, मैं फिलहाल आ रहा हूँ महेश्वर से। महेश्वर से कहाँ जा रहे हैं आप? जाऊँगा मैं अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला शहडोल अनूपपुर। एक्चुअल में क्या, और ले लो मम्मी को भी देना। ये लोग कोटा से बिलोंग करते हैं, बस वही है कि मांगना वो चीज़ अच्छा नहीं है। आप स्कूल में पढ़ाइए, बच्चा है, सब चीज़ अच्छा है। ये बच्ची बेचारी, और दे दीजिए और दे दीजिए। इनको देके तो आप पैसा नहीं देना, कुछ खाने पीने को तो वो बेटर है। ठीक है, और कुछ नहीं समझता हूँ मैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है सर, ये जो मैसेज जा रहा है ये कई जगह यूट्यूब के थ्रू जाएगा और लोग इस चीज़ को भी समझेंगे। लोग दिल की मैसेज दे रहे, चार लोग के सामने अगर उनको बोलने से उनको भी लगेगा ये चीज़ लगेगा तो ठीक है, बट अपन ने अपनी कोशिश पूरी पूरी सही कि नहीं सर? सही, पेन देना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, आजकल लाल बत्ती पे वो नया फंडा चालू हुआ है, पेन लेके खड़े रहते हैं, 10 रुपये का पेन ले लो, वो भी नहीं लेना चाहिए। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है उसके माध्यम से काम, 2 रुपये का पेन ये में 20 रुपये देता हूँ 20 रख लेते हैं। चीज़ें कब कहाँ कितनी जल्दी बिगड़ जाए बन जाए कोई नहीं जानता। अभी कुछ भी होने को हम लोग तो यहाँ घूम रहे हैं, पता है हमको कहाँ, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया देखते फिरते रहते हैं। चले ठीक है भैया, थैंक यू। चले ठीक है सर, नाइस मीटिंग, ठीक है भैया। हाँ नहीं बस हो गया, खाते ही पीते आ रहा हूँ सब। तो फेमस है कुछ ऐसा खास तो ठीक है, अभी टेस्ट करेंगे, मतलब बाकी टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे। ठीक है, सर का कहना है कि कचौड़ी फेमस है, लोग ऐसा कहते हैं, बट मैं एक बार टेस्ट करता हूँ क्या कैसा है। नहीं मंदिर तो काफ़ी फेमस है, मंदिर का तो मुझे एटलीस्ट पता था कैसा क्या है। थोड़ा अलग लग रहा है, अलग जैसे साइज में भी छोटा और अच्छा, साइज भी छोटा ही रहेगा, फुल भरी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस इसके अंदर बेसन नहीं डालते हम लोग, बेसन नहीं डालते, मतलब मैदे में मसाला है, खड़ी सिर्फ दाल, दाल मैदा तो है। हाँ हाँ, मैं दाल के अंदर अधिकतर होटलों पे थोड़ी सी दाल लेते हैं, फिर बेसन डाल देते हैं उसका मसाला। अच्छा, तो ये मूंग दाल है इसका? सिर्फ मूंग दाल है, जो सिर्फ मूंग दाल है, खड़े बाकी गरम मसाले मसाले वगैरह जो भी है। अच्छा चलिए ठीक है सर, अच्छा अच्छा था कचौड़ी टेस्ट में, ठीक है थैंक यू। सो स्वीट हॉकिंग अंकल बहुत अच्छे थे, बताया सर आप एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ का कचौड़ी फेमस है। और एवरेज देश के हिसाब से अपन देखें तो अभी भीड़ के एक्चुअल में बहुत कम है, तो ये चीज़ अच्छा था, अच्छे से दर्शन हो जाते हैं मुझे अक्सर, जिधर भी जाता हूँ सब कुछ अच्छा मिल जाता है। बारिश भी हो रही है रास्ते में, और ठीक है दर्शन हो गया, नाश्ता कचौड़ी सब कुछ हो गया, उसके बाद निकलते हैं, ऑलरेडी रेडी है, चला जाए। आप बहुत तेज बारिश हो रही है और फाइनली भोपाल भी पहुंच ही गया मैं, और रॉयल इनफील्ड जस्ट अभी रुका हूँ पीयूसी में, पीयूसी के रेट्स भी बढ़ गए हैं टू व्हीलर्स के लिए। हाँ बोलिए, कौन सा मॉडल है? 2019 का यही था। और कुछ ठीक है, तो 6 महीने के लिए फुर्सत बनवा देते। सामने झील है, आप देख सकते हो अगर दिख रहा है आपको, तो पूरा पानी से भरा हुआ है सामने का झील, और बारिश अभी भी टिप टिप हो ही रही है। ये व्लॉगिंग चल रहा है, ऑनलाइन है ये ऑफलाइन?
फिलहाल ऑफलाइन, फिलहाल ऑफलाइन है, बाद में ऑनलाइन जाएगा यूट्यूब को। हाँ निकला हूँ, महेश्वर से निकला हूँ। कहाँ से निकले? महेश्वर, महेश्वर। कैसी मैं स्पॉन्सर नहीं रहता, मैं मेरा सेल्फ सोलो करता हूँ। ऑन करो इग्निशन, इग्निशन ऑन करूँ क्या? अभी क्या है, ऑलरेडी हेलमेट के लिए और किस किस चीज़ों के लिए, मतलब क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट पीछे पड़ी है। पीछे क्या पड़ी इन द सेंस, पीछे पढ़ना नहीं बोलते, हमारे सेफ्टी पर्पज़ से ऑलरेडी बोल रहा है, तो अच्छी चीज़ें भी हैं, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ अच्छा है, वो चीज़ हो जाएगा। अभी रिसेंटली फेसबुक पे एक मीम पड़ा था कि अगर जब तक आपके पास QC नहीं है तो आपकी गाड़ी वो पॉल्यूशन फैला रही, और जब आप 100 रुपये या 50 रुपये का QC बना लेते हो तो उस दिन से और उसी समय से आपकी गाड़ी पॉल्यूशन फ्री हो जाती है। अच्छा, बाकी आप समझ गए होंगे तो हंस लीजिएगा।